नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। कान्य कुब्ज शिक्षा एवं समाज सेवा समिति ने मनाई राजा जयचंद जयंती। जयचंद के किले में स्थित प्रतिमा पर माला चढ़ा मनाई गई जयंती। समिति हर वर्ष शिवरात्रि पर जयचंद सम्मान समारोह आयोजन। जयचंद पर लगे गद्दारी के आरोप को झूठा बताते हैं इतिहासकार। कोरोना व चुनाव के चलते इस बार नहीं हो सका कार्यक्रम का आयोजन। समिति के संरक्षक नवाब सिंह बोले, अगले वर्ष से धूम से होगा आयोजन। कन्नौज से सीबू सैनी की रिपोर्ट। किस तरह का आज अभी प्रोग्राम कर रहे हैं? प्रतिवर्ष शिवरात्रि को महाराजा जयचंद की जयंती मनाई जाती थी। इसमें पूरे प्रदेश और देश से इतिहासकार आते थे, जो जयचंद के उज्जवल भविष्य पे चर्चा होती थी। और समिति ने जयचंद को गद्दार साबित करने पर 5 लाख का इनाम भी रखा है। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि इस वर्ष का कार्यक्रम नहीं हो पाया, क्योंकि जो इतिहासकार आते हैं उन्हें हमें बहुत पहले उन्हें निमंत्रण देना पड़ता था, तब वो प्रोग्राम हमारा सेट करते थे। इस बार 1 माह पहले ओमिक्रॉन बहुत तेज था तो लोगों ने मना कर दिया था, प्रशासनिक भी अनुमति नहीं मिल रही थी। और फिर चुनाव आ गया, चुनाव जब निपटा तो 2-4 रोज में तैयारी नहीं हो पाती। इस कारण तमाम अपने साहित्य वर्ग के और इतिहासकारों से क्षमा चाहते हैं। अगली वर्ष समय से ये कार्यक्रम होगा और हम लोग, ये हमारी कन्नौज की धरती है, हम जयचंद के उज्जवल चरित्र पर हमेशा चर्चा करते रहेंगे। हम पे जो दाग लगा है उसे मिटाने की हमारी पुरजोर कोशिश होगी। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए तेजस 24।